दोस्तों, कभी कभी हमारी मेहनत हमें ऐसे मुकाम तक ले जाती है जिसके बारे में हम शायद सोच भी नहीं सकते। ऐसे ही कुछ हुआ विकेश शाह के साथ। विकेश ने महज 18 साल की उम्र से ही मुंबई में एक छोटी सी केक की दुकान पर काम करना शुरू कर दिया था। उन्होंने स्टोर पर 700 रुपए महीने की कमाई की और केवल 2 सालों में ही मैनेजर के पद तक पहुंच गए। इसके तुरंत बाद उन्होंने नौकरी छोड़ दी और 2007 में अपना खुद का कॉर्पोरेट केटरिंग वेंचर ओपन किया और द हैप्पीनेस दिल्ली नाम की एक बेकरी शुरू कर दी। दरअसल उन्होंने उस वक्त भारत में पेस्ट्री और अंग्रेजी डेजर्ट की बढ़ती लोकप्रियता को भाप लिया और उसी गैप को फिल करते हुए उन्होंने पैनकेक क्विक सर्विस रेस्टोरेंट चेन खोलने का फैसला किया और 2017 में उन्होंने अपना पहला आउटलेट मुंबई में खोला। 99 रुपीज में पैनकेक बेचने वाले के कारण शॉप का नाम 99 पैनकेक्स पड़ गया और 2018 और 2019 के दौरान भारत में उन्होंने 65 नए स्टोर खोल दिए जिनका रेवेन्यू 2020 में 16 करोड़ रुपए था। ऐसे ही अमेजिंग बिजनेस वीडियोस के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।